रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रकिया होम क्रिएशन। में आज मैं सहरी के लिए कीमा आलू बना रही हूँ। मैंने हाफ के जी कीमा लिया है और हाफ के जी प्याज ली है। जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी आपको दिखाती जाऊँगी। सबसे पहले मैं कीमा डाल रही हूँ ऑयल में। मैंने एक कप ऑयल लिया है। आप जानते हैं मेरा एक दरमियाने साइज़ का ऑयल का मग है, उसमें मैंने अब मैं ऑयल में कीमा डाल रही हूँ हाफ के जी, जो कि मैंने मटन का कीमा लिया है। जब ये फ्राई हो जाएगा इसमें ऑयल वापस आ जाएगा, तो फिर मैं इसमें प्याज डालूँगी। ये देखिए ऑयल वापस आ गया है, इसमें पानी कीमे का सब ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें दो बड़ी इलायची डालेंगे ताकि कीमे में कोई स्मेल ना आए। और उसके बाद दो टेबल स्पून भर कर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और जो हाफ के जी हमने प्याज ली थी वो भी इसमें डाल देंगे। एक दो मिनट फ्राई करेंगे, फिर इसमें स्पाइसेस डालेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक टेबलस्पून नमक, दो टेबलस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, एक टेबलस्पून भर के पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, हल्का सा पानी, और हम मसाले को भूनेंगे। और इसके बाद एक गिलास पानी डालकर उसको ढक्कन ढक के पकने देंगे लो फ्लेम पे। ये देखिए व्यूअर्स, अब मसाला थोड़ा भुनाई हो गई है। अब हम इसमें दो मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं हाफ के जी कीमे में, और इसमें मैं हाफ के जी ही आलू डालूँगी। इनको हल्का सा भूनूंगी और एक गिलास पानी डालकर इसको ढाँप कर लो फ्लेम पे पकने दूंगी। व्यूअर्स, ये मैं सहरी के लिए बना रही हूँ। आज इंशाल्लाह ताला रमज़ान और मुबारक की पहली सहरी है, इसके लिए मैं कीमा आलू बना रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। व्यूअर्स, कीमा हमारा गल गया है। अब हम इसमें गरम मसाला, साबुत गरम मसाला ये आप देख रहे हैं, और चार से पांच हरी मिर्च डालेंगे। दही में मैंने कुछ पानी डाल के रखा है, एक प्याली मैंने दही ली है उसको डालेंगे इसमें। और इसकी हम भुनाई करेंगे। जब कीमे की भुनाई हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। उसी वक्त मैं आलू की कटिंग कर रही हूँ। मैंने आधा किलो हाफ के जी आलू लिए हैं। मैं इधर कटिंग कर रही हूँ आलू की, इधर कीमे की भुनाई हो रही है। मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। देखिए व्यूअर्स, हमने हाफ के जी कीमे में हाफ के जी ही हमने आलू लिए हैं। अब इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ, दरमियान में से ऐसे काटेंगे, मोटे नहीं काटने, जो बड़ा लगेगा उसको बीच में से ऐसे कटिंग कर दूंगी। इसी तरह ये सबको काटूंगी और कीमे में डाल दूंगी। ये देखें, कीमे की भुनाई हो गई है, अभी मुकम्मल नहीं हुई। कुछ भुनाई हम आलू के साथ करेंगे। आलू हमने कटिंग करके पहले धो लिए थे और कटिंग करके अब हम कीमे में डाल रहे हैं। दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ढक्कन ढक कर, ताकि जो भी स्पाइसेस हैं वो सब आलू में भी आ जाएं। और उसके साथ मैं आलू के साथ इसको भुनाई करूंगी। अब मैं आपको भुनाई के बाद ये वीडियो दिखाऊंगी। देखिए व्यूअर, कीमे और आलू की भुनाई हो चुकी है और तकरीबन आलू भी गल चुके हैं, अभी मुकम्मल नहीं गले हैं, इसलिए मैं इसमें एक गिलास पानी डालूंगी और इसको ढक कर 15 मिनट के लिए रख दूँगी। इंशाल्लाह ताला 15 मिनट तक गल जाएंगे आलू भी। फिर मैं ये तैयार होती है तो मैं आपको उस वक्त दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर, कीमा आलू तैयार हो चुका है सहरी के लिए।
व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।